सभी मीडिया के मित्रों का भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत देश की स्वतंत्रता को 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष पर पूरे देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। लगभग पिछले एक वर्ष से देश के कोने कोने में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष पर पूरे देश में सांस्कृतिक कार्यक्रम जो देशभक्ति से ओतप्रोत है वो चल रहे हैं। भारत सरकार का जो सांस्कृतिक मंत्रालय है, कल्चरल मिनिस्ट्री, उन्होंने पूरे देश भर के अंदर लगातार देशभक्ति के कार्यक्रमों के माध्यम से आजादी के अमृत महोत्सव अर्थात हमारी आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के जश्न पूरे देश में मनाए जा रहे हैं। इस आजादी के अमृत महोत्सव के संदर्भ में सांस्कृतिक मंत्रालय ने और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने हर एक देशवासी से यह आह्वान किया है कि हमें अपने घर में शान से तिरंगा झंडा, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, वो फहराना चाहिए। और एक नारा आ गया, हर दिल में तिरंगा, हर हाथ में तिरंगा और हर घर में तिरंगा। देश के अंदर लगभग 40 से 50 करोड़ घरों के ऊपर, जो हमारे 135 करोड़ देशवासी हैं, वो पूरे जश्न, उत्साह, उमंग और जोश के साथ अपने देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा फहराने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि हमारी पहचान हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे झंडे से है। तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी जान है और तिरंगा झंडा हमारी पहचान है, क्योंकि तिरंगा झंडा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है और हर एक भारतवासी को यह गर्व होता है जब वो तिरंगा झंडा हाथ में लेकर किसी भी मैदान में जब वो जीत हासिल करता है, उस जीत के जश्न में भी अपने हाथ में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा लेकर हर एक भारतवासी खुशी के उन पलों में झूमता है। वो चाहे खेल का मैदान हो, वो चाहे किसी प्रतिस्पर्धा में हुई जीत हो, वो चाहे हमारे सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों द्वारा किया गया कोई उत्कृष्ट कार्य हो, अथवा हमारे जो राष्ट्रीय पर्व हैं, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के दिन और हमारा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, इन महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्वों के ऊपर भी बड़ी शान से तिरंगा झंडा हर एक भारतवासी लहराता है और फहराता है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ ऐसे राजनेता हैं जिनका काम हमेशा समाज में जहर घोलकर यहां उन्माद पैदा करना। कुछ राजनेता जम्मू कश्मीर के ऐसे हैं जो समाज में जहर घोलकर कभी हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की साजिश करते हैं, कभी तिरंगे झंडे और कभी भारतीय जनता पार्टी के नाम पर राजनीति करके लोगों को लड़ाने की साजिश करते हैं, और कभी जश्न आजादी और कभी श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा के संदर्भ में अनाप शनाप बयान देकर समाज
में दूरियां पैदा करने की कोशिश करते हैं। सुश्री महबूबा मुफ्ती जी जो कि मेंबर पार्लियामेंट रही हैं, जो एमएलए रही हैं और जो स्वयं जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर रही हैं, उन्होंने कई बार 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन स्वयं राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा फहराया भी है और उसको सलामी भी दी है, सलूट भी किया। लेकिन आज जब आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में बड़ी शान और शौकत के साथ मनाया जा रहा है, उस वक्त सुश्री महबूबा मुफ्ती जी ने एक प्रोपेगेंडा, एक राजनीतिक साजिश और षड्यंत्र करके एक बार फिर जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह करने की एक साजिश और षड्यंत्र किया है। शायद महबूबा मुफ्ती जी ये नहीं जानती कि वो मोहम्मद मकबूल शेरवानी थे जिन्होंने 1947 को कश्मीर के बारामूला में तिरंगा झंडा लगाकर पाकिस्तानी हमलावरों को चेतावनी दी थी कि पाकिस्तानी हमलावर खबरदार, हम हिंदुस्तानी हैं तैयार। वो मोहम्मद मकबूल शेरवानी थे जिन्होंने पूरी कश्मीर घाटी के अंदर तिरंगे झंडे शान से फहराए थे और पाकिस्तान के हमलावरों को कश्मीर घाटी से खदेड़ा था। हमारे कितने ऐसे नौजवान हैं जो जम्मू कश्मीर पुलिस में, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस में और भारतीय सेना के अंदर काम करते करते तिरंगे झंडे की रक्षा और तिरंगे झंडे की शान में जिन्होंने अपने बलिदान दिए, वो चाहे एसएचओ फिरोज अहमद डार हो, डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित साहब हो, एएसआई अब्दुल रशीद शाह साहब हो, इंस्पेक्टर अरशद खान साहब हो, या भारतीय सेना के चौधरी मोहम्मद औरंगजेब हो, लेफ्टिनेंट उमर फयाज साहब हो, उड़ी के मुदस्सर हुसैन शेख साहब हो, बारामूला के बिलाल अहमद परे साहब हो, पुलवामा के फारूक मीर साहब हो, या फिर सैफुल्ला कादरी साहब जैसे हजारों की तादाद में ऐसे नौजवान जो कश्मीर घाटी में पैदा हुए और जिन्होंने तिरंगे झंडे की खातिर अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, अपने आप को देश पर और तिरंगे झंडे पर कुर्बान कर दिया, ऐसे नौजवानों को पूरा देश सलूट करता है, सलाम करता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के हर शख्स के दिल में तिरंगा है और जम्मू कश्मीर के हर व्यक्ति के खून में तिरंगा है। तिरंगे से ही हमारी पहचान है, तिरंगा हमारी शान है और तिरंगा हमारी जान है। इसलिए महबूबा मुफ्ती जैसे राजनेताओं को इस प्रकार की राष्ट्रद्रोही राजनीति से बाज आना चाहिए। सुश्री महबूबा मुफ्ती जी को इस बात को भली भांति अपने ध्यान में रखना चाहिए कि इस देश में कांग्रेस की सरकार नहीं है, इस देश में नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है और देश के हर घर में तिरंगा झंडा लहराया जाएगा, क्योंकि तिरंगे झंडे से हमारी पहचान है, तिरंगे झंडे से हमारा अस्तित्व है, तिरंगा झंडा हमारी पहचान है और तिरंगा झंडा हमारी शान है और तिरंगा झंडा हमारी जान है, तिरंगा झंडा हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज है। इसलिए पूरे भारत के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी इस आजादी के अमृत महोत्सव के इस पावन पर्व, इस उत्सव में जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक, वो चाहे हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, वो गुजर बकरवाल है या पहाड़ी कबीले का है, हर एक शख्स, बच्चा बच्चा जम्मू कश्मीर का
आजादी के इस अमृत महोत्सव में बड़ी शान से, बड़े जोश, जज्बे, उत्साह और उमंग के साथ इस आजादी के अमृत महोत्सव में शामिल होकर तिरंगा झंडा शान से हम फहराएं। मैं जम्मू कश्मीर के तमाम नागरिकों से, मैं जम्मू एवं कश्मीर की जनता से ये निवेदन करता हूं, ये देश हमारी मातृभूमि है, ये वतन हमारा मादरे वतन है और तिरंगा झंडा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, हमारी पहचान, हमारी शान और हमारी जान हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा है। आइए आजादी के इस 75वें साल पूरा होने के खुशी में जो आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उसके तहत हम अपने घरों में शान से तिरंगा झंडा फहराएं और देश दुश्मन, राष्ट्रद्रोही, राष्ट्र पर आघात करने वाली इन राष्ट्र विरोधी शक्तियों से हम मिलकर एक होकर मुकाबला करें, क्योंकि यह हमारा वतन है, यह हमारा हिंदुस्तान है, यह हमारा मादरे वतन है। भारत कोई मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, यह हमारी मां है, यह हमारी भारत माता है। आइए हम सब मिलकर इस जश्न आजादी के इस अमृत महोत्सव को सब मिलकर मनाएं और मिलकर इस जश्न आजादी के पर्व को एक साथ झूमते हुए खुशी और उमंग के साथ मनाएं और इन राष्ट्र विरोधी ताकतों को, जो पाकिस्तान के इशारे पर नाचने वाले लोग हैं, जिन्होंने पिछले 32 सालों में जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया है, ये वो कुछ ताकतें हैं जम्मू कश्मीर में जो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में अमन, चैन, शांति और भाईचारा बना रहे। कुछ ऐसे जम्मू कश्मीर में शरारती तत्व हैं जो हमेशा चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां चले और जम्मू कश्मीर लहूलुहान हो। अब उनके षड्यंत्र हम नहीं चलने देंगे और जम्मू कश्मीर की जनता ने मिलकर यह तय किया है कि हम लोग इस जश्न आजादी के 75वें साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरी शान से जम्मू कश्मीर के कोने कोने में, हर घर में, हर भवन के ऊपर शान से तिरंगा झंडा फहराएंगे और मैं मीडिया के माध्यम से जम्मू कश्मीर की जनता का आह्वान करता हूं, आइए हम बड़ी शान से अपनी पहचान को, अपने तिरंगे झंडे को पूरे जम्मू कश्मीर के कोने कोने में फिराकर इन देश दुश्मन ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दें। सर, एक सवाल आपसे। पाकिस्तान पत्रकार ने खुलासा किया है कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी ने जो है देश की खुफिया जानकारी जो है वो पाकिस्तान से साझा की, इसे कैसे देखते हैं? जब जब हमारे देश में कांग्रेस पार्टी की सरकारें होती थी, कांग्रेस पार्टी की सरकारों के दौरान जब विदेशी पत्रकारों को या विदेशियों को यहां भारत में लाया जाता था, उस वक्त सरकारी तंत्र से महत्वपूर्ण सुरक्षा की जानकारियां विदेशियों के साथ साझा की जाती थी। ये जो खुलासा कुछ विदेशी पत्रकारों ने किया है, ये बहुत ही गंभीर मामला है। इस सारे मामले की गहन जांच होनी चाहिए और इस सारी साजिश में जो जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। देश की सुरक्षा को विदेशी ताकतों के साथ साझा करना ये राष्ट्रद्रोह है। ये राष्ट्रद्रोह कांग्रेस की सरकारों ने जो किया है और गोपनीय दस्तावेज, जो सिक्योरिटी रिलेटेड दस्तावेज हैं, जो खुफिया एजेंसियों के पास सारी जानकारी रहती है, उसको विदेशियों के साथ कांग्रेस की सरकारों के दौरान लीक किया गया, ये बहुत भयंकर आपराधिक मामला है और इस सारे मामले की जांच होनी चाहिए और जो जो इसमें शामिल पाया जाए उसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दायर होना चाहिए।
बालाकोट एयर स्ट्राइक पर महबूबा मुफ्ती जी ने एक बार फिर से निशाना साधा और कहा है कि हमें नहीं पता वहां पर कितनों को मारा कितनों को नहीं, लेकिन हमारे घर में घुसकर तिरंगा लगाने की जो बात कही गई इसे जो है किस तरह से देखते हैं? सुश्री महबूबा मुफ्ती जी को यह बात समझ लेनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा तिरंगे झंडे से प्यार करता है, जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे के दिल में तिरंगा है, खून में तिरंगा है, क्योंकि तिरंगे से हमारी पहचान है, तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। 1947 के उस दौर को महबूबा मुफ्ती साहिबा को याद करना चाहिए जब पाकिस्तानियों ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया था, मीरपुर, कोटली, भिंबर बाग, पलंदरी, मुजफ्फराबाद, यहां तक कि बारामूला तक पाकिस्तान के हमलावर पहुंचे थे। तब कश्मीर के अंदर रहने वाले मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब जैसे लोगों ने अपने हाथों में तिरंगा झंडा बुलंद करके पाकिस्तानियों को चेतावनी दी थी कि पाकिस्तानी खबरदार, हम कश्मीरी, हम हिंदुस्तानी है तैयार। कश्मीर के अंदर तिरंगा झंडा हो या जम्मू के अंदर तिरंगा झंडा, हमेशा देशभक्तों ने फहराया है। महबूबा मुफ्ती को षड्यंत्रकारी राजनीति करने से बचना चाहिए। तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है और हर जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा शान से तिरंगा अपने घरों में और अपने हाथों में लेकर झूमता है। और महबूबा मुफ्ती को यह भी समझना चाहिए कि सारी दुनिया ने कहा कि जो भारतीय वायुसेना ने पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के अंदर घुसकर बालाकोट के अंदर एयर स्ट्राइक की और आतंकवादियों के बड़े अड्डे नष्ट किए, आतंकवादियों की पाकिस्तान की सरजमी पर गिरी लाशें इंटरनेशनल मीडिया ने दिखाई, महबूबा मुफ्ती जी को वो मीडिया रिपोर्टिंग जरूर देखनी चाहिए और अपने देश पर उनको गर्व होना चाहिए। उनको मैं ये सुझाव दूंगा कि 15 अगस्त के दिन उनको भी अपने घर की छत के ऊपर तिरंगा झंडा लगाना चाहिए। फारूकुल्ला जी ने कहा है कि तिरंगे झंडे को अपने घर पर रखिए, बड़े वीडियो वायरल हुआ वर्ल्ड कप में। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो हमेशा उन ताकतों का समर्थन करते हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया, जम्मू कश्मीर को कब्रिस्तान बनाने की और शमशान बनाने की कोशिश हमेशा पाकिस्तान ने की है। और आतंकवादियों के जितने ट्रेनिंग कैंप्स हैं ये पाकिस्तान के नाजायज कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हैं या लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में। पाकिस्तान आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है, पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों को ट्रेनिंग देती है और यही आतंकवादी घुसपैठ करके जम्मू कश्मीर के अंदर बेगुनाह लोगों की हत्याएं करते हैं। सुश्री महबूबा मुफ्ती जी को और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को आतंकवाद और आतंकवादियों के हमदर्दों की भाषा नहीं बोलनी चाहिए, देश के साथ खड़ा होना चाहिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हो या सुश्री महबूबा मुफ्ती जी हो, ये चुने हुए मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं और कई बार इन्होंने सौगंध उठाई है, हलफ लिया है कि देश की एकता और अखंडता को हम अक्षुण्ण रखेंगे। उस सौगंध को, उस कसम को, उस हलफ को याद करके देश हित में काम करना चाहिए। सीबीआई इंक्वायरी हो रही है सब इंस्पेक्टर एग्जाम के अंदर और एफएए के बच्चे। थैंक यू।